हेलो एवरीवन, मैं जोगिंदर सिंह लोलिया, फिजियोथेरेपिस्ट, आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ सबसे आम समस्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा सर्वाइकल। सर्वाइकल का मतलब है गर्दन का एक हिस्सा जो कि 7 हड्डियों से मिलकर बना होता है। स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का आर्थराइटिस है जो कि सबसे ज़्यादा स्पाइन में ही देखने को मिलता है। ऐसे ही ये बनता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इसका मतलब गर्दन में होने वाला एक आर्थराइटिस का एक रूप, जिसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये ज़्यादातर 40 के बाद की उम्र में देखने को मिलता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में लाइफ स्टाइल जैसे जैसे चेंज हो रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इस समय इससे कम की उम्र में भी देखने को मिलता है। इसके मुख्यतः लक्षण को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अगर ये समस्या ऊपर की 3 हड्डियों में होती है, मतलब C1, C2, C3 में, तो जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं, वो कॉमन होते हैं चक्कर आना, सिर में दर्द रहना, उल्टी सी महसूस होना, जैसे नोजिया वोमिटिंग भी कहते हैं, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर समस्या है 4th वर्टिब्रा से नीचे के लेवल पे, दैट मीन्स C4, C5, C6 एंड C7, अगर इसमें कोई समस्या हो रही है तो लक्षण देखने को मिलते हैं हाथ में सुन्नपन होना, हाथ में दर्द होना, हाथ का कमजोर होना, गर्दन में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स तब दिखाई देते हैं जब समस्या हो रही है हमारी नीचे के सर्वाइकल लेवल्स पे। अब मैं बताऊंगा कि इसके लक्षण भी बता दिए मैंने, अब मैं बताऊंगा आपको कि ये होता क्यों है। ये गर्दन की मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से होता है, या तो हम किसी भी वजह से अपने पोस्चर को गलत रहते हैं। पोस्चर जैसे कि मैंने बताया आपको, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका या सोने का तरीका, अगर हम गलत तरीके से बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, जिसमें कि गर्दन का पोस्चर आगे की तरफ जा रहा है, गर्दन बहुत ज़्यादा आगे की तरफ जा रही है, उसकी वजह से गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और हड्डी जो अपनी शेप में होती है वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको जो मेन सिम्टम दिखाई देता है वो दिखाई देता है गर्दन में, कंधों में जकड़न होना या हैवीपन होना। जैसे सुबह सोते उठते हैं उस समय बड़ी जकड़न जैसी महसूस होती है, या रात में सोते समय पे कोई पोस्चर आप एडॉप्ट नहीं कर पाते, किसी भी एक पोजीशन में अगर लेट रहे हो तो आपको पेन शुरू होता है। ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इस वजह से होती है। थोड़ा सा अपने पोस्चर को करेक्ट करेंगे इसके लिए, उसके लिए मैं आपको कुछ इलाज बताऊंगा या हम फिजियोथेरेपी में क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मांसपेशियों में ज़्यादा जकड़न है, जकड़न के लिए हम देते हैं हीटिंग, हीटिंग से उसकी स्टिफनेस को कम करते हैं। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो देन पेन को कम करने के लिए कुछ मशीनें लगती हैं, जैसे IFT हो गई, टेंस हो गया, ये हम मशीनें देते हैं। अगर वर्टाइगो की प्रॉब्लम है तो कई बार सर्वाइकल ट्रैक्शन भी दिया जाता है, ये सारा हमारा मॉडलिटीज दिए जाती हैं। इसके साथ में कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं, जैसे हम स्ट्रेचिंग देते हैं, स्ट्रेचिंग के साथ में मैनुअल ट्रैक्शन में ग्लाइडिंग करते हैं, मैनुअल थेरेपी देते हैं, ये सारा एक्सरसाइज के थ्रू टेक्निक यूज़ करते हैं, उसके थ्रू इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। साथ में जो ये प्रॉब्लम बार बार ना हो उसके लिए हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताते हैं, मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने वाली कुछ एक्सरसाइज वो बताते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अगर करते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत हद तक नहीं बढ़ती और बहुत हद तक उस पर क्योर किया जा सकता है, कंट्रोल की जा सकती है। आइए अब हम बताते हैं आपको एक्सरसाइज के द्वारा इसके इलाज के बारे में। इसके हर एक लक्षण के अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, अलग अलग व्यायाम हैं, जिसमें कि सबसे मेन वो गर्दन में दर्द है, गर्दन में दर्द या फिर उसके कंधों में दर्द आ रहा है, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपना राइट हैंड पीछे ले जाए, गर्दन को लेफ्ट साइड बेंड करना है और लेफ्ट साइड हैंड को ही सर के ऊपर रख के स्ट्रेच करना है, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं, फिर अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं और राइट हैंड साइड गर्दन को बेंड करना है और राइट हैंड से फिर से स्ट्रेच करना है गर्दन पे, 1, 2, 3, 4, 5। ये प्रक्रिया एक बार में 2 से 3 बार करनी है, दिन में 2 बार ये प्रक्रिया करनी है। ये एक्सरसाइज कंधे के दर्द के लिए और गर्दन के दर्द के लिए या खिंचाव के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जिसको किसी को चक्कर आ रहे हैं या फिर अगर उसके सिर में दर्द है उसके लिए सेल्फ एक्सरसाइजेज आपको कैसे करनी है।
आप अगर गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव करते करते आपको चक्कर महसूस हो रहे हैं, तो आप उस समय पे ये वाली एक्सरसाइज करें, या फिर आपको सोते समय पे, रात में सो रहे हैं और आपको सडनली चक्कर आया, तो आप उस समय पे ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आपको हेडेक है या चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए एक एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं। इसमें हमें आपको गर्दन को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना है, जिसे हम चिन टक बोलते हैं। उसके बाद ऊपर देखना है, जितना हम ऊपर देख सकते हैं, धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। उसके बाद फिर से न्यूट्रल पोजीशन में लाना है एंड रिलैक्स। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराना है, फिर से चिन को पीछे ले जाएंगे, फिर ऊपर देखेंगे जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर से नीचे लाएंगे और रिलैक्स छोड़ देंगे। ये रेपिटेशन हमें 5 बार करने हैं, दिन में 2 से 3 बार इसे दोहरा सकते हैं। आज मैंने आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताया कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और कुछ एक्सरसाइजेज के बारे में बताया। आगे मैं और एडवांस एक्सरसाइजेज के बारे में बताऊँगा, उसके लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए।